जय हिंद, आप देख रहे हैं माई जोन यूट्यूब चैनल को। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन स्लिप का जो मेन टॉपिक आपने थंबनेल देखा होगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और आज की वीडियो अगर आप देख लेते हैं सही से तो आपको पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके यूनिवर्सिटी लाइफ में। अगर ये ना हो तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। आपका स्टडी, आपका जो पार्ट वन है, पार्ट टू है, पार्ट थ्री है, यानी पीजी है, सब कुछ खराब हो सकता है। तो वीडियो को पूरी देखना, वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। बाकी आगे हम लोग बात करते हैं, वीडियो को बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बात कुछ यूँ है, थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू डाउनलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का। आपने देखा भी होगा और बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड किया भी होगा। लगभग 6200 के आसपास उस पर व्यूज़ गया है। तो मेरे सब्सक्राइबर जितने भी वो ध्यान से सुनेंगे, और जो नहीं हैं, जो नए नए हैं, वो सब्सक्राइब तो कर दे चैनल को और बातों को ध्यान से सुने बस। जो रजिस्ट्रेशन स्लिप जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है उन लोगों के लिए भी वीडियो है, जिन्होंने डाउनलोड नहीं कर पाए हैं उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कर लिया है तो क्या करना है, ठीक है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कर लिया है वो पहले सुनेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, कॉलेज वगैरह में जमा नहीं करना है, कहीं उसको नहीं ले जाना है, उसको अपने पास रखना है, अपने पास। रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कर लिया तो उसको अच्छे से रखो, कम से कम उसकी जो दो हार्ड कॉपीज़ है, मतलब दो उसका फ़ोटो कॉपी निकलवा लो सवर के फेम जा करके, और उसको कहीं पर रख दो। और उसका जो सॉफ्ट कॉपी होता है, मतलब ओरिजिनल आपने पीडीएफ डाउनलोड किया है, वो उसको कहीं ऐसे फोल्डर में, कहीं ऐसे जगह पर रखो जो कभी डिलीट ना हो। कई बार क्या होता है ना, आपका फ़ोन डिलीट होता है, फॉर्मेट मर आता है, तो वो सारी चीज़ें उड़ जाती है, रजिस्ट्रेशन स्लिप भी आपका गायब। अब गायब हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्लिप का बहुत जगह काम पड़ता है। और ये आपका गो टू एक तरीके का डॉक्यूमेंट्स है, बहुत हर जगह पर ये यूज़ होता है आपके यूनिवर्सिटीज़ लाइफ में। इसका खास करके सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एग्ज़ाम टाइम पे। अगर ये ना हो तो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप नहीं होगा और एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे, तो यूनिवर्सिटी में नाम क्यों लिखवाए, एग्ज़ाम देने के लिए ना, पास करने के लिए ना, ग्रेजुएशन करने के लिए ना। अगर रजिस्ट्रेशन स्लिप ही नहीं रहेगा तो ये सब कुछ नहीं होगा, सारा प्रोसेस ठप पड़ जाएगा। तो संभाल के रखना, और साथ ही साथ ध्यान देना, ये जो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपका है ये आपके लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में सिर्फ एक बार मिलता है, सिर्फ एक बार आपको मिलेगा, बार बार आपको यूनिवर्सिटी नहीं देगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने पार्ट वन के स्टूडेंट हैं 2021-24 का अभी डाउनलोड किया है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है उसको मतलब संभाल के रखना। यही रजिस्ट्रेशन स्लिप तुम्हारा पार्ट वन में काम देगा, पार्ट टू में काम देगा, एंड साथ ही साथ पार्ट थ्री में भी काम देगा। पार्ट टू में फिर से रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं दिया जाता है, पार्ट वन वाला ही यूज़ होता है, पार्ट थ्री में भी वही होता है। तो रजिस्ट्रेशन स्लिप सिर्फ एक बार मिलता है आपको, और वही वाला यूज़ होता है तीनों साल, पूरा ग्रेजुएशन जब तक आपका ख़त्म नहीं होता है इसका यूज़ पड़ता है। संभाल के रखना, जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है उन लोगों के लिए ये बात था, ठीक है। जिन्होंने डाउनलोड नहीं कर पाया है उन लोगों के लिए बात करते हैं, डाटा नॉट फाउंड, एरर, कुछ भी बता रहा है, मतलब नहीं हो पा रहा है। पीजी वाले स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे पहले, अगर आपने यूजी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से किया है एंड पीजी भी आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, देन उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं जनरेट होता है और नहीं आता है और नहीं आप डाउनलोड कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप पार्ट वन में आपने जो डाउनलोड किया था वही वाला आपका पार्ट वन के साथ साथ पार्ट टू, पार्ट थ्री, एंड अगर आप सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन फील्ड से लिए तो वही वाला पार्ट वन वाला पीजी में भी यूज होता है, ठीक है। तो अगर आप पीपीयू से पीपीयू में ही एडमिशन लिए पीजी में तो रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पुराना वाला ही काम देगा, उसी से आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करिएगा फिर एग्ज़ाम दीजिएगा। अब बात करते हैं कुछ वैसे लड़के का जो दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं, लेट से कि कोई मगध यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, इस साल पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में नाम लिखवाया है पीजी में, फिर भी उनका डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो अगर आपका सच में ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है और आप बहुत बार ट्राई करके थक चुके हैं और फिर भी नहीं कर पा रहे, तो क्यों लगे पड़े हो भाई, क्यों? जब खुद से नहीं हो पा रहा है तो किसी और से करवा लो, हम लोग को भेजो, हम लोग भी चेक कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। और नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका जो होता है ना, अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर जो भी हो रहा है, सबसे बढ़िया जो आपका सोल्यूशन मिलेगा ना इस समस्या का, समाधान आपके कॉलेज का जो ऑफिस होता है वहाँ पे मिलेगा,
वो जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट करेंगे और वहाँ पे आपका जो भी प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन दे देंगे, और रजिस्ट्रेशन स्लिप हो सके तो डाउनलोड करके भी आपको दे देंगे वो। तो वहाँ जाओ, सबसे बढ़िया जगह है, आपको हेल्प वहीं पे मिलेगा। और हाँ, अगर आपके जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है उसमें कुछ गलती है, माता पिता का नाम गलत दे दिया, DOP गलत दे दिया, सब्जेक्ट चेंज हो गया, कुछ भी गलती है, मिसप्रिंट है, कुछ भी है, 3 साल का मामला है, ये रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको Part 1, Part 2, Part 3 सब जगह काम देगा। तो सुधरवा लो जितना जल्दी हो सके। ध्यान रखना, कॉलेज खुला है बंद है पता, छुट्टियां होती रहती है, तो जब जिस दिन खुला रहेगा कॉलेज उसी दिन जाना। तो ये है प्रॉब्लम का सलूशन, ठीक है। तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो ये करेंगे, जो जिन्होंने UG PPU से किया था फिर PG भी PPU से कर रहे हैं उनका नहीं आएगा, ठीक है। Part 2, Part 3 वालों का रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं आता है, Part 1 वाला ही काम देता है। और रजिस्ट्रेशन स्लिप को बहुत संभाल के रखना है, ये तो मैंने बताया ही। रजिस्ट्रेशन स्लिप को ही नहीं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके PPU से रिलेटेड हैं, कॉलेज से रिलेटेड है, सबको संभाल के रखना सीखो। और एक भी डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं आप। जितने भी तमाम आपके डॉक्यूमेंट्स मिले एक फाइल रख लो, उसको संभाल के रखना है, ओके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको, बहुत कम लोग वीडियो बनाए हैं, मैं सोचा बना देते हैं, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं, तो कन्फ्यूज़न दूर करना मेरा काम है, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं।